गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स रजुल हेयर टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर फोर दैट इज हीट ऑफ साइंस ऑफ क्लास सेवेंथ इन दिस चैप्टर वी विल डू हीट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर थर्मोमीटर मेजरिंग टेम्परेचर जिससे कि टेम्परेचर को मेजर किया जाता है थर्मोमीटर एंड इट्स टाइप्स क्लिनिकल थर्मोमीटर लेबोरेटरी थर्मोमीटर ट्रांसफर ऑफ हीट मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट जिसमें नंबर फर्स्ट है कंडक्शन uh, और उनके एप्लीकेशन के बारे में भी हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट इज कन्वेक्शन एंड इट्स एंड रेडिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन एंड लास्ट आर्टिकल इज थर्मस फ्लास्क नाओ लेटेस्ट स्टडी डू यू फील हॉट और कोल्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर और जनवरी इफ यू लिव इन द नॉर्द पार्ट ऑफ द कंट्री why is it that you feel cold when you visit a hilly area like jammu or uh, sorry kashmir or shimla even during the month of may or june what do you do to fight the cold conditions you may wear woolen clothes like coat or sweaters play in the sun and heat your room with heaters means uh, december or january we have a cold field ठीक है अगर आप छुट्टियों में भी जून या मई की छुट्टियों में जब हम आ, हिली एरियाज में भी जाते हैं जैसे कश्मीर या शिमला वहां पे भी ठंड हमें फील होती है तो आ, उस कोल्ड कंडीशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं वुलन क्लोथ्स डालते हैं ठीक sun, है, है या फिर सन जब सनलाइट होती है तब वहां पे प्ले करते हैं या फिर हीटर्स की हेल्प से हम अपने रूम को हीट करते हैं द एक्टिव एजेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड हीट मतलब ऐसा सेंसेशन जो जो रिस्पॉन्सिबल होता है हॉटनेस और कोल्डनेस कंडीशन का उसको क्या बोलते हैं हीट लेट लर्न मोर अबाउट हीट इट्स मेजरमेंट एंड इट्स इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन दैट इज हीट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट क्या है एक एनर्जी की फॉर्म है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी वेन वर्क इज डन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड दिस एनर्जी में भी हीट एनर्जी मतलब कोई भी अगर काम होता है तो वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है एनर्जी रिलीज होती है ठीक है तो वो क्या होता है दिस एनर्जी में भी हीट एनर्जी तो वो हीट एनर्जी भी हो सकती है ठीक है की इफेक्ट में देखो क्या हीट कैन नॉट बी सीन इट कैन ओनली बी फेल्ट हम फील कर सकते हैं हीट को पर यह दिखाई नहीं देती है रब यूर पॉम्प अगेंस्ट ईच अदर वट डू यू ऑब्जर्व आपने देखा होगा कि जब ठंड ठंड वाला मौसम होता है तो क्या करते हैं हम अपने पाम्स को रगड़ते हैं एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे करते हैं ना तो उससे क्या होता है क्या फील करते हैं हम करके भी देखो क्या फील होता है आपको यू विल फाइंड दैट योर पाम्स बिकम वार्म एंड हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस ठीक है गर्म हो जाते हैं ठीक है वहां से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है वाइल्ड रबिंग हीट गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर बॉडी टू योर हैंड्स एंड यू फील इट्स वार्म क्या होता है जब हम रब करते हैं हमारे हैंड्स को तो जो हीट होती है वो हमारी बॉडी में से हमारे हैंड्स तक ट्रांसफर हो जाती है जिससे कि हमको वार्म वार्म फील होता है हीट गेट्स ट्रांसफर ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर तो वो कैसे होती है हीट ट्रांसफर डिफरेंस के कारण टेम्परेचर में डिफरेंस के कारण वेन यू डिप योर हैंड इन वॉटर यू फील इट्स वार्म ऑन योर हैंड एज द वॉटर इज हीटेड मोर एंड मोर हीट स्टार्ट फ्लोइंग इन टू योर बॉडी मोर रेपिडली एंड यू फील मोर हीट मतलब क्या है कि एक फैक्ट है कि जो हीट है जो हीट है वो हमेशा गर्म चीज से ठंडी की तरफ जाती है ठीक है हॉट से कोल्ड की तरफ जाती है ठीक है तो यहाँ वही लिखा हुआ है देखो जब कोई हीट किया हुआ पानी होता है ना हीटेड वाटर होता है तो अगर हम उसको ज्यादा ज्यादा गर्म करेंगे ज्यादा से ज्यादा गर्म करते जाएंगे तो क्या होगा जो हीट होगी ना वो फ्लो करेगी हमारी बॉडी के अंदर ठीक है उस वाटर में से हमारी बॉडी के अंदर क्योंकि वाटर हीट है ना वाटर हॉट है और हमारी बॉडी कोल्ड है तो हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो करेगी वेन यू टच अ क्यूब ऑफ आइस जब आइस को अगर हम टच करें अगर हम ठंडी चीज की बात करें मतलब कि अगर हम आइस की बात करें अगर हम आइस की बात करें तो क्या होगा यू फील कोल्डर ठीक है ठंडक महसूस होगी ना हमको बिकॉज मोर हीट फ्लोज आउट ऑफ योर बॉडी अब देखो एक तो हमारी बॉडी है और एक आइस है दोनों में से ठंडा कौन सा है ये चीज ठीक है तो हीट कहाँ से कहाँ जाएगी हमारी बॉडी में से आइस की तरफ ट्रांसफर होगी ठीक है सो यू फील कोल्डर बिकॉज मोर हीट फ्लोज ज्यादा हीट कहां से कहां फ्लो करेगी आउट ऑफ योर बॉडी बॉडी में नेक्स्ट इज डू यू नो ऑल एनिमल्स नीड हीट टू कीप देयर बॉडीज अलाइव बट डिफरेंट एनिमल्स टॉलरेट और नीड डिफरेंट टेम्परेचर्स ठीक है हर एक एनिमल को हीट की जरूरत होती है ना जिंदा रहने के लिए पर कि, मतलब डिफरेंट अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग टॉलरेंट की पावर टॉलरेट करने की पावर होती है और अलग अलग टेम्परेचर की उनको जरूरत होती है इन एडिशन सम एनिमल्स कैन मेंटेन कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर अंडर नॉर्मल कंडीशन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कोई भी अगर कोई भी टेम्परेचर हो तो उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल ही रहता है एक ही कॉन्स्टेंटली रहता है फिक्सड रहता है दीज एनिमल्स आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड उन एनिमल्स को कहते हैं वार्म वार्मेड एनिमल्स द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अदर टाइप्स ऑफ एनिमल्स विद विद द द ऑफ देयर सराउंडिंग कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि अपनी टेम्परेचर के अनुसार के उनका जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो चेंज होता रहता है उन एनिमल्स को कहते हैं कोल्ड ब्लडेड जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है डॉग जो है वार्म ब्लडेड है और फ्रॉग कोल्ड ब्लडेड है मतलब क्या है कि डॉग का जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट रहता है हर एक मौसम में पर जो फ्रॉक का टेम्परेचर है वो बदलता रहता है ठीक है वेरी करता रहता है अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग टेम्परेचर ठीक है नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर वेन यू टच एन ऑब्जेक्ट यू फील इट्स हॉटनेस और कोल्डनेस विद रिस्पेक्ट टू द वार्म ऑफ योर बॉडी ठीक है जब हम किसी चीज को टच करते हैं तो हमें हॉटनेस और कोल्डनेस का पता चल जाता है विद रिस्पेक्ट टू हमारी बॉडी की कितनी गर्माहट है उसके हिसाब से सम ऑब्जेक्ट्स अपीयर कोल्ड टू यू बिकॉज योर बॉडी इज रिलेटिवली हॉटर देन देम मतलब देखो क्या है कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें कोल्ड क्यों अपीयर होते हैं क्योंकि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो गर्म होता है ठीक है इसीलिए वो सामने वाली चीज हमको ठंडी लगती है बट योर बॉडी इज नॉट स्टैंडर्ड टू मेजर हीट पर जो हमारी बॉडी होती है वो हर एक चीज को हर एक चीज के लिए स्टैंडर्ड नहीं है मतलब कई बार ऐसे होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कुछ और हो और बाहर वाली चीज़ हमें कुछ और लग रही हो ऑल्सो वाइल्ड टचिंग ऑब्जेक्ट्स विद योर हैंड देयर इज अ डेंजर ऑफ बर्निंग और फ्रीजिंग ये भी है कि अगर हम किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो ये डेंजर रहता है कि जलने का या फ्रीज होने का लेट एस परफॉर्म एक्टिविटी फोर पॉइंट वन टू अंडरस्टैंड दिस बेटर इसके लिए हम एक्टिविटी करते हैं इसमें देखो क्या किया हुआ है यहाँ पे थ्री टब्स लिए हुए हैं उसमें अलग अलग पानी लिया हुआ है देखो ए वाले में क्या लिया हुआ है आइस कोल्ड वाटर बिल्कुल ठंडा पानी ठीक है बर्फ वाला और बी वाले में नॉर्मल वाटर लिया हुआ है और सी वाले में वाटर लिया हुआ है वार्म वाटर गर्म पानी ठीक है ठंडा पानी नॉर्मल और गर्म तो क्या किया देखो टेक थ्री वैसल्स फिल ए को कोल्ड वाटर के साथ बी को नॉर्मल के साथ और सी को वार्म के साथ ठीक है नाउ हो डीपी राइट हैंड इन वेसल ए एक हाथ को हमने इसके अंदर भी खो दिया और लेफ्ट हैंड को हमने वेसल सी के अंदर डाल दिया ठीक है तो क्या ऑब्जर्व करेंगे हम यू विल ऑब्जर्व दैट योर राइट हैंड इन वेसल ए फील्स कोल्ड ठीक है तो एक ए में क्या था ठंडा पानी है ना तो ये हमें कोल्ड फील होएगा ठीक है और सी वाले में क्या था गर्म पानी है तो इसमें हमें गर्म फील होएगा ठीक है ये ठंडा है तो ठंडा फील होएगा गर्म है तो गर्म फील होएगा अब क्या करना है नाउ पुट बोथ ऑफ योर हैंड्स इन वेसल बी अब दोनों हैंड्स को निकाल के हमने बी के अंदर डालना है जिसके अंदर नॉर्मल वाटर था ठीक है तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे देखो यू विल फील दैट योर राइट हैंड फील्स वार्म अब देखो जो राइट right हैंड है राइट right हैंड किस में था वैसे ले में था ना जिसके अंदर ठंडा पानी था ठीक है जब वो वाला हाथ इस बी वाले में जाएगा तो हमें क्या फील होएगा, वार्म फील होएगा, गर्म फील होएगा, बट एक्चुअली द वॉट और वाइल योर लेफ्ट हैंड फील्स कोल्ड पर जो लेफ्ट वाला था लेफ्ट वाले में क्या था गर्म पानी तो गर्म पानी में से इसमें से जब हम इसके अंदर डालेंगे तो हमें ये ठंडा महसूस होगा एक हाथ को गर्म महसूस हो रहा है और एक हाथ को ठंडा महसूस हो रहा है जबकि पानी वो एक जैसा ही है ठीक है so, सो क्या है बट एक्चुअली द वॉटर इन वेसल बी इज ना इधर हॉट नॉट कोल्ड ना तो वो गर्म है ना ठंडा है तो ये प्रूव क्या करता है दिस प्रूव दैट योर बॉडी कैन नॉट मेजर टेम्परेचर करेक्टली तो ये प्रूव कर देता है कि जो हमारी बॉडी है वो हमें सही टेम्परेचर का पता नहीं लगा देती है यू हैव ओफन हेयर दैट द टेम्परेचर इज वेरी हाई टूडे वट इज दट्स टेम्परेचर आपने सुना भी होगा कि आज बहुत ज्यादा टेम्परेचर है आज टेम्परेचर बहुत हाई है बहुत गर्मी है तो उसका मतलब क्या होता है टेम्परेचर क्या होता है टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी बॉडी का हॉटनेस uh, और कोल्डनेस की डिग्री का मेजर क्या होता है टेम्परेचर इसकी ऐसा ही यूनिट होती है कैलवीन It is a measure of the heat energy present in it. Thermometer is a reliable device to measure hotness of the body. इसको measure करने के लिए किसका use किया जाता है thermometer का ठीक है अब देखो ये एक चीज देखी दी हुई है यहाँ पे एक्सपेंशन एक्सपेंशन मतलब क्या होता है इंक्रीज होना ठीक है इट इज इंक्रीज इन डायमेंशन इंक्रीज होना मतलब किसी भी चीज में इंक्रीज होना चाहे उसकी लेंथ हो चाहे ब्रेथ हो, हो या चाहे हाइट हो ठीक है उसको एक्सपेंशन कहते हैं सो so, देखो आगे क्या है थर्मोमीटर मेजरिंग टेम्परेचर ठीक है थर्मोमीटर से हम क्या करते हैं टेम्परेचर को मेजर करते हैं ठीक है इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ मेजरिंग टेम्परेचर व्हेन यू और एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली सफर्स फ्रॉम फीवर द टेम्परेचर इज मेजर यूजिंग अ थर्मोमीटर अगर कोई भी मेंबर है आपकी फैमिली का हमारी फैमिली का कोई भी है तो अगर उसको फीवर हो जाए तो हम क्या करते हैं कि उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर अ थर्मोमीटर इज मेड अप ऑफ थीन लॉन्ग एंड यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब आप सभी ने देखा होगा कि जो थर्मोमीटर है वो थिन होता है लोंग होता है और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है ठीक है जिसको कैपिलरी ट्यूब बोलती है इसकी पिक्चर अभी पीछे है ये देखो ये इसकी पिक्चर क्लिनिकल थर्मोमीटर है, है यहाँ पे ठीक है तो ये देखो यहाँ पे थर्मोमीटर बनाए हुए ना ये ग्लास ट्यूब है ना पूरी इसको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिलरी ट्यूब ठीक है इट हैज अ बल्ब एट वन एंड इसके एट एक एंड पे बल्ब लगा हुआ है अ सिल्वर कलर लिक्विड गोल्ड मर्करी प्रेजेंट इन द बल्ब इज यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर मर्करी इज अ थर्मोमेट्रिक फ्लूड फ्लूड मतलब लिक्विड ठीक है मर्करी क्या है थर्मोमीट्रिक फ्लूड है अब देखो ये यहाँ पे बल्ब दिखाया हुआ है ठीक है और ये हमारी कैपिलरी ट्यूब है और इसके अंदर इस बल्ब के अंदर क्या होता है हमारा मरकरी ठीक है यू विल फाइंड टू स्केल्स ऑन द स्टेम ऑफ अ थर्मोमीटर वन इज सेल्सियस स्केल एंड अदर इज फेनाइट पे ठीक है इन सेल्सियस स्केल द स्केल्परेचर एट विच प्योर वाटर फ्रीज इज एट सी लेवल इज टेकन एज द लोअर फिक्सड पॉइंट मतलब जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है वो कौन सा पॉइंट होता है सेल्सियस स्केल में जो जिस पे प्योर वाटर फ्रीज करता है सी लेवल पे ठीक है वेयर आज द टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर बॉयल्स और जिस टेम्परेचर के ऊपर जो सी लेवल uh, पे वॉटर है वो बॉयल करना शुरू करता है उसको हम लेंगे अपर पॉइंट ऊपर वाला पॉइंट मतलब क्या है कि जिस पे वाटर फ्रीज करता है वो कितना डिग्री सेल्सियस होता है बताइए आपको जीरो डिग्री सेल्सियस और जिस पे बॉयल होना शुरू होता है वो कौन, uh, कितना होता है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो जीरो से हंड्रेड होता है वो द स्केल बिटवीन दीज फिक्स इज देन डिवाइडेड टू हंडिवाइड When the 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 bulb of a thermometer is placed in contact with the body, the shining thread of mercury expands and moves up in a in the narrow capillary tube. सो so, क्या होता है देखो जब थर्मोमीटर uh, को जब हम कॉन्टेक्ट uh, में रखेंगे किसी भी बॉडी के तो जो बल्ब होएगा ठीक है बल्ब बल्ब के अंदर क्या है मर्करी ठीक है तो जो मर्करी होगी वो जो शाइनिंग थ्रेड ऑफ mercury है वो एक्सपेंड करना शुरू कर देगी ठीक है एंड मूव अप इन द नैरो कैपिलरी ट्यूब और कैपिलरी ट्यूब में वो यहां से ऊपर चली जाएगी यहां से मरकरी निकलेगी ठीक है और यहां से ऊपर ऊपर एक्सपेंड होती जाएगी ठीक है यू गेट टू नो द टेम्परेचर बाई रीडिंग द ग्रेजुएशन कोरस्पॉन्डिंग टू द मरकरी थ्रेड तो इससे हम रीड uh, कर सकते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को ठीक है सो दिस दिस इज द पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर rest of the chapter is in next part that is part 2 subscribe and share my channel if you like thanks